आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं मम्मी के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि कल मम्मी का बर्थडे है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं और उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज रात 12 बजे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन और जैसा भी होता है। और फिलहाल मम्मी जो है वो सो चुकी है और मैं अभी नैतिक और शिवांगी को बुला के लाती हूँ क्योंकि अकेले मेरे बस की तो है नहीं। साथ में मिलके करते हैं और मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। सो ये हो गए हमारे स्माइली वाले बैलून्स, ये मैंने थोड़े कुछ लिए थे। और इसके बाद में कुछ ये वाले डिज़ाइन पैटर्न के बैलून्स लाई थी। और ये तो हो गया हमारी कैंडल पॉपर, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और बाकी का देखते हैं क्या क्या सामान है हमारे पास और फिर डेकोरेशन स्टार्ट। बने रहिए आप लोग भी ब्लॉग में, दिखाते हैं हम लोग कैसे डेकोरेशन करते हैं और मम्मी का बर्थडे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। और डेकोरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बैलून फुलाना, तो सबसे पहले हम ये बैलून्स फुला लेते हैं और फिर हम आगे की डेकोरेशन कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है और जल्दी से बर्थडे मम्मी का सेलिब्रेट करना है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों अभी तक आ नहीं रहे हैं, पता नहीं ये लोग कब आएंगे, लेकिन इनके भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते ना, तो हम तो स्टार्ट। हमारा काम प्रोग्रेस में चल रहा है और अब हम तैयारियां कर रहे थे और तैयारी करते करते नैतिक बाबू तो सो चुके हैं, वो नहीं सुन रहे किसी की। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल की छठ की थकी हुई थी, आज मेरा कल व्रत भी था, मैंने लोगों से मना किया था कल करेंगे जो भी करेंगे तुम लोग भी सो जाओ। निश्चा जी का पोपट पे पोपट हो रहा है। बहुत विल ट्राई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल शाम को भी हम कुछ छोटी मोटी पार्टी करेंगे, हमारे छोटे मोटे फ्रेंड्स हैं वो बहुत इंतजार कर रहे हैं। आंटी कल आपका बर्थडे, हम आएंगे आपको मिलवाएंगे उनसे। और आज हमारे लड़कियों ने बहुत अच्छा हमें सरप्राइज दिया है, इनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आओ ये लो, थैंक यू। हमारे एक साहब ज्यादा सो रहे हैं। हम मम्मी के केक लाए हैं।
अरे भैया बिल्कुल बच्चा ही बना दिया हमें तो। वही गाना याद आ रहा है, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू गबलू, काले को मिलते लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अब कैंडल बुझाते हैं। अरे अभी कैंडल ही नहीं बुझाई। अब आप विश मांगो। अच्छा ओए कैंडल ब्लो कर दो, हम भूल गए। हाँ हाँ अब फूंक दो। वाह इसी बार में तुम अरे मेरी दिस जल्दी कंप्लीट हो जाएगी भगवान, बस मेरी बस जो इच्छा है वो पूर्ण करना। ठीक है चलिए मिलते हैं कल शाम को, अब ब्लॉग का एंड नहीं कर रहे हैं, कल शाम की पार्टी बाकी है। अब मेरी बारी है, मैं इन लोगों को पार्टी दूंगी, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, देखिए हमारा बर्थडे मेरा स्टार्ट हो चुका है, मेरी बच्चा पार्टी सब आ चुकी है और मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में आज अपना बर्थडे बनाऊंगी। और देखिए मिलते हैं अब कौन आ रहा है, आइए आइए वंशिका, ये देखिए वंशिका आ चुकी है, ये अभी आई है, पढ़ाई में व्यस्त थी इसके एग्जाम हो रहे हैं, तो हम आओ वंशिका बैठो और सबसे मिलवाती हूँ। ये है रेनू, रेनू हाय। और ये है हमारी छोटे से फ्रेंड सूर्यांशी, इनाया, किट्टू, हेलो। और ये है हमारी भाभी जी, हेलो। और ये है नमस्ते कर रही, अरे वाह इनसे मिलिए। ये है बन शर्मा, हेलो। ये है शिवांगी उपाध्याय और ये है निष्ठा। और हमारा बेटा तो हमेशा गायब रहता है, वो आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत नालायक बच्चा है। चलिए दिखाते हैं केक कैसे काटते हैं, चलिए छोटा सा सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं। वंशिका का वेट कर रहे थे, अब वंशिका आ चुकी है, लेकिन अभी हमारे बाकी फ्रेंड रह गए हैं, सुधा समृद्धि, पता नहीं कब पहुंचेंगे ये लोग। देखिए हमें जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, आ गई, आइए आइए आइए, हैप्पी बर्थडे। आओ भाई बहुत देर से नाचे पड़े पूरे पड़े केक बार बार कर रहा था, बंद कर लिया, कहाँ करा है खाए लिया फोड़ लिया। आइए बैठिए, बर्थडे मेरा समाप्त हो चुका है। अभी 12 नवंबर, अभी तो 12 बजने में टाइम है, अभी 9:30 बज रहे हैं, बच्चा पार्टी सब चली गई है बर्थडे मना के। आज हम सब बच्चों ने मिलकर बहुत एंजॉय करा, मैं उनकी आंटी उनके साथ, मैंने बच्चे बुलाए थे, बच्चे आए, बच्चों ने एंजॉय किया, कुछ डांस किया और अभी गए। मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, गुड नाइट।